वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ असील मादियों का शौक करा रहा हूँ। एक तो ये नीलमुश की मादी देखें आप माशाल्लाह से, इसका कलर देखें, शाइनिंग देखें और काले डंडे देखें। ऐसी मुर्गियों को जो नोक भी काली रखें, आंखें भी काली रखें, नीलमुश्की हों और डंडे काले हों, इसके काले डंडे आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊँ। ये देखें, इनको चूड़ी नस्ल कहा जाता है। ये बहुत एग्रेसिव होती हैं, हार बिल्कुल नहीं मानती, बहुत अच्छी असील मादियों में इनका शुमार होता है। आपको एक और नील मुश्की मादी दिखाता हूँ, ये पीले और वाइट डंडों में है। इसको देखें आप माशाल्लाह से, इसकी थोड़ी सी कलगी उठी हुई है ऊपर को, ताज मोरे में है। इसके अलावा आपको मैं ये दो दिखाता हूँ, इनकी लेंथ आप चेक करें माशाल्लाह से, इसकी आप लेंथ चेक करें माशाल्लाह से। वाइट डंडू में है, नील मुश्की है, पीछे एक सरगी मुश्की सी है, साथ में आप देखें लाखी कासनी आ गई है। ये थोड़ी सी क्योंकि बड़ी है उम्र में और पहले से इस जगह की रिहायशी थी, इसलिए ये बाकी की जो नई मैं वहाँ फार्म से यहाँ लाया हूँ। एक ये लाखी पीली देखें आप माशाल्लाह से, लेंथ चेक करें आप इसकी, अच्छे डेल डोल की है। इसके अलावा दो पठियाँ यहाँ हैं, ये अंडों के लिए तैयार हैं। और ये क्योंकि इनका पहला पूर होगा, मतलब है फर्स्ट टाइम ये अंडे देंगी, तो इसलिए इनके अंडे मैं खा लूँगा, इस सर्दियों में इनके अंडे खाए जाएंगे। साथ साथ में इनको बड़ी अच्छी किस्म की खुराक भी दी जा रही है ताकि ये कमज़ोर ना हो। फरवरी में दोबारा इनसे अंडे लिए जाएंगे और फिर इनकी ब्रीड ली जाएगी। एक ये लाखी मुर्गी देखें माशाल्लाह से आप, इसकी लेंथ चेक करें, हाइट चेक करें, वेल चेक करें, बहुत खूबसूरत मुर्गी है, खूबसूरत कलर हैं। ऐसी मुर्गियाँ किसी किस्म के भी, किसी कलर के मुर्गे के साथ भी छोड़ दी जाएँ तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ये असील मुर्गा ही छोड़ा है, बहुत एग्रेसिव है, खुले कांटों का बादशाह है ये। इसी को इसलिए लगाया है ताकि इनकी जो, क्योंकि स्पर्म रह जाते हैं अंडों में अक्सर, तो ब्रीड ख़राब ना हो, असील मुर्गा ही इनके लिए छोड़ा है। मुर्गियाँ काफ़ी सारी हैं, एक ये देखें यहाँ रेस्ट कर रही है, ये अंडे दे रही है, खूबसूरत मुर्गी है, आँख देखें और पामोज है, काले डंडे हैं इसके, नील मुश्की है। एक ये बहुत ज़्यादा लाल मुर्गी है और दुम इसकी कासनी है। एक ये चकोर कलर की है, ये देखें, ये मुर्गी देखें आप माशाल्लाह से। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पीली मुर्गियाँ हैं, तीन पीली मुर्गियाँ हैं। ये वाली देसी है, साथ में देखें असील मुर्गी है, और ये भी देसी मुर्गी है, ये असीलों में से निकली हुई देसी मुर्गी है। ये अंडे बहुत अच्छी तरह से सींचती हैं, बच्चे बहुत अच्छे पालती हैं, इसलिए इनको भी रखा हुआ है। और एक ये देसी मुर्गी है, ये अंडे बच्चों के लिए रखी हुई हैं, और जो असील मुर्गियाँ हैं इनको हम अंडे लेके फिर फारिग कर देते हैं, बिठाते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको शौक अच्छा लगा होगा। एक ये देखें, ये मुर्गा इसको अंदर ले गया था और ये अंडे के लिए जगह ढूंढ रही थी। खूबसूरत मुर्गी है, ताज मोहरे में है बिल्कुल, झोल देखें आप बनी हुई है, अंडे दे रही है ये, और यहाँ अंदर देखें मुर्गा इसके लिए जगह बना रहा है। आपको थोड़ा सा ये कोई फीड की, गंदम की और खुराक का गट्टू भी पड़ा है, ये उसको भी शुरू हैं। और तो फ्रेंड्स, उम्मीद है शौक आपको अच्छा लगा होगा। पठियां हैं यहाँ, मैं लेके आया हूँ, 8-10 हो गई हैं, कुछ अभी रह रही हैं, तो उम्मीद है कि मैं उनको भी एक दो दिन में ले आऊँगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पठियां और मादियां आपको कैसी लगीं। माशाल्लाह से देखें आप, खूबसूरत डिज़ाइन, खूबसूरत कलर, खूबसूरत इनकी लेंथ हाइट। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।